दिनों में आदत पड़ जाएगी। अब सब कुछ अपने गांव जैसा तो नहीं हो सकता। चलो। ए, चुप कर। किसने किया ये सब? किसने किया ये? मुझे नहीं मालूम। मटर किसने चुराया? टमाटर तो तुझे पता ही नहीं। अरे ये नहीं बता। हम लोग क्या कर रहे हैं? तुमने चुराए टमाटर? नहीं, हम लोग ले चुराए। किसने चुराए? हमें क्या पता? लड़कों के नाम बताओ जिसने टमाटर चुराए। कुछ पता नहीं। वो अलग लड़कों का काम है, मैं जानता हूँ। चार दिन से टमाटर चुके, तुझे कुछ पता नहीं है? अरे 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 चुप कर। चुप कर। अरे चुप से मारे जाना। अरे कुछ बोल के क्यों यार? वो लोग इतनी मारा मारी क्यों कर रहे थे? चलो तुम्हें क्या मतलब? इतने थोड़े टमाटर के लिए इतना झगड़ा? ओफो, तो चलो ना, तुम्हें क्या मतलब? पर हम वहाँ से भाग क्यों आए? हाँ, का होता तो आप तुरंत सुलह कर देते। हाँ, और देखिए ना, उस बूढ़े आदमी को मार रहे हैं। शुरू हो गई आते ही। ये यहाँ रोज होता है, और वो चीनी की आदमी है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी 2 जून की रोटी जुगाड़ पाता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं चीनी या किसी और के मामले में पढ़ने का। हमारी बेहतरी इसी में है कि अपने काम से काम रखें और फालतू के झंझटों में ना पड़े। गांव नहीं है। चलो। मैं जानती हूँ गांव नहीं है, पर दादागिरी तो दादागिरी होती है ना। चीनी, ये चीनी कौन है? यही ना, चीनी यहाँ का माँ और बाप दोनों है। भाई, चीनी भाई, मैंने बोला था ना, मैं बोला फिर से टमाटर चोरी हो गए भाई। काम के लिए बहुत देर हो गई है, शाम तक वापस आऊंगा। पानी ये रखा है और संडास गली के उस तरफ है। कुछ चीजें घर में हैं और कुछ शाम को आकर खरीद लेंगे, बाकी सब मैं शाम को वापस आकर समझा दूंगा। आप जा रहे हैं? हाँ। ठीक है। रुखसार? अरे ओ रुखसार। कौन? मैं सावित्री। तू हसन की बीवी है ना? आ नीचे आना, मैं तुझे सबसे मिलवाती है। मेमा चाचा है ना, बड़े अच्छे हैं, और नत्था है ना, एकदम पैदल है, पर वो भी मस्त है। और वो जगन है ना, जगन अपनी ही धुन में रहता है, पर दिल का बुरा नहीं है। चाचा, ये है रुखसार, हसन की बीवी। आज सुबह में आई थी चाचा, जब चीनी के आदमी आपको बहुत मस्त है ये। जीतू, चाय देना। शुक्रिया चाचा। शुक्रिया कहेगा? तो हमें तुम्हारा करना चाहिए। अभी अभी आई, न जान न पहचान, और बीच में आ गई। मैं तो ऐसी ही हूँ। तू बहुत अच्छी है, है ना चाचा? हाँ। देख बेटी, तुझे कुछ नहीं पता, चीनी से हमारी रोजी रोटी चलती है। और हसन भी जब आया था ना, तो चीनी ने ही खोली और काम दिया था। तो इसका मतलब है चीनी ने सबको खरीद रखा है? हाँ, ऐसे ही समझ लो। कल आएगा चीनी, देखना, सबकी बैंड बजाएगा। लेकिन अगर हम सब साथ में उसके खिलाफ खड़े रहे तो? एक बार मैं भी हुआ था खड़ा। खाना हो गया? रोज ऐसी सब्जियां खाते हैं आप? इतने बजट में यही आता है और यही खाना पड़ेगा। तुम यही रुको, मैं अभी आता हूं। लेकिन हुआ क्या? सब लोग कान खोल कर सुन ले, जिसने इसने भी चोरी किया है ना, बोलो खुद ब खुद मेरे सामने आ जाए। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अबे निकलो। 3 लोगों को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो काम धंधा खाना पानी सब बंद। लल्लू, चल बोल, मुंह खोल। हमने नहीं किया चोरी, बार बार हम बोले जा रहे हैं। चुप। ये है हसन की नई थानेदार है भाई। हसन, पता है नहीं कि भाभी जी आई है। नमस्ते।
मांग कर जाओ ना। जबरदस्ती है, जबरदस्ती कौन कर रहा है जबरदस्ती? खुशी खुशी सब कुछ खुशी। अभी तुम लोग ना थोड़ी देर में उन तीन लोगों को मेरे हवाले कर सकते। एक काम करते हैं, तब तक तुम तीनों, एक दो और तीन, पांच पांच हजार रुपए का हर्जाना अब भी समझ में आएगा तुम्हारे। जब तक पैसा नहीं मिलता है ना, काम धंधा भाई ले। चुप, ये तुम चोरों को ले आओ या पैसा ले आओ, सब्जी भाजी सब बंद। हाँ, चावल का पानी पी सर। और खाने का शौक है ना, ये खुद ही सब्जी उगा लो और खा लो। चले हो गई तसल्ली, कहां से लाएंगे हम 5,000 रुपए? अरे यहाँ 50 रुपए कमाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, खून पसीना बहाना पड़ता है। अरे क्या जरूरत है दूसरों के झगड़ों में। जैसे कि मैंने कहा था, कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, और तरीका है आप लोगों की छत। छत? इससे ना सिर्फ हमें चीनी से राहत मिलेगी, पर साथ ही साथ हम पैसे भी कमा सकेंगे। देखो, अब इन्हीं छतों पर हम सब्जियां उगाएंगे। अरे झक्कास, फिर तो मजा आ जाएगा। और फिर इन्हीं सब्जियों को बेचकर हम पैसे कमाएंगे। और सब्जियां बेचेंगे किसको? उस चीनी को? अरे नहीं मम्मी, एक झक्कास आदमी है, दो गली छोड़कर रहता है, हरी बाबू। वो सब ठीक है, लेकिन इसके लिए पैसे भी तो लगेंगे ना। पूछना पड़ेगा। देखो, जो पैसे डाल सकता है ना वो पैसे डाल दे, फिर बाद में उसे वही पैसे सूद समेत वापस मिल जाएंगे, और जो नहीं डाल सकता उसे सिर्फ छत का हिस्सा मिल जाएगा। झक्कास आइडिया है। खुद में तेरी रोशनी, तू भी है जीत के काबिल, कर यकीन। हार से डरना अब तू छोड़ दे, जीत ये तेरी तुझ में है बसी। पलक देगा फिर गवाही, नई लहर जो ये आई, परिंदों से पंख ले तू सागर से। पर इसके मैं 5 रुपए किलो ही दे पाऊंगा। झक्कास, चीनी तो हाँ ठीक है हरे बाबू, हम दे देंगे, पर देखिए माल देते वक्त पूरा पैसा लेंगे, उधारी का कोई चक्कर ना हो। अरे वो तो ठीक है बेटी, पर किलो दो किलो से मेरा क्या होगा? अगर माल ज्यादा हुआ तो मैं दूसरे की जगह तेरे से ही माल लूंगा, मगर माल हर हफ्ते लगेगा, समझ लेना। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। हाँ, हर हफ्ते टमाटर लगेंगे तो? अरे भाई ये टोपी ऐसे, अरे उनको धोके रखा कि नहीं रखा? अब 50 छत चाहिए तो चीनी 5 के 25,000 कर देगा। देखो कुछ दिनों में तुम्हारा टिकट आ जाएगा। टिकट? हाँ, गांव में ही अच्छी थी, गलती की मैंने तुम्हें बुलाकर। एक बार तुम चली जाओ, फिर मैं चीनी से बात करके सारा मामला ठीक कर लूंगा। जब तक तुम्हारा ये छतों पे खेती करने का तमाशा बंद नहीं होता ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चली जाऊंगी, पर तब तक जो छतें पकड़ी है ना, मैं नहीं छोड़ूंगी। इसी जिद्दीपन ने तो मरवा दिया ना। उस जमाने में यही जिद्दीपन आपको बहुत पसंद था। ये?
ना अच्छे से समझा दे। नहीं मानेगा वो। अरे तू बहुत अच्छे से पटाता है, वो सुन लेगा तेरी बात। ट्राई करते हैं। क्या लल्लू कैसा है? लल्लू अपने बाप को छत के लिए मनाना। तेरे बाप की तेरी गली में कितनी वट है, अपन को 20 छत तो वैसी मिल जाएगी। अब कुछ जादू चलाना लल्लू, देख कितने मस्त टमाटर हो गए अपन के। कुछ करना लल्लू, कुछ तो कर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं लल्लू। अच्छा देख ये टमाटर अपनी माँ को दे दे, ले लेना। अरे ले ले। नमस्ते पाटिल साहब। हाँ हाँ साहब, कैसे हैं साहब? बढ़िया बढ़िया साहब। कुछ नहीं चल रहा है साहब वहां पर? नहीं नहीं कुछ नहीं साहब। अच्छा हाँ साहब, चूहे हैं साहब, चूहे हैं, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते साहब। हाँ साहब मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं चल रहा है वहां पर, एकदम सब मस्त है। हाँ साहब, ओके साहब। ओके छतों पर क्या चल रहा है? कुछ नहीं भाई। आटा लुका रहे हैं यहाँ पर। अरे अरे ये सब चल रहा है, ये चल रहा है। चल एक एक सब एक डर सब एक 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 सब तोड़ दूँगा, सारे छत तोड़ दूँगा। चल चल ये रहा तुम्हारा टिकट। अब अपना तमाशा बंद करो और गांव जाने की तैयारी करो। तुम्हारे चक्कर में चीनी ने 5,000 पे ब्याज लगाना शुरू कर दिया। छत पे जा रहे हो? हम सब आपके साथ हैं। हमें छत पे जाना है। सोनू मोनू आओ जल्दी, चलो हमें छत पे जाना है। राजू भैया छत पे जाना है। उड़ जा ऐसी हम सब आपके साथ। रब का बचला चल, रब है तुझ में ये मां। रब देगा फिर गवाही, नई शहर जो ये आई, सूरज से तेज ने तू सितारों से फिर फोन कर तो आके बाकी माल भी ले जाऊंगा। बेटी तू सचमुच सही थी, एकदम मस्त है तू, है ना? टमाटर बिक गए। वापस मिलते हैं। हाँ पैसे कमाने से नहीं बचाने से भी बढ़ते हैं। हाँ मगर फाड़ने में ज्यादा मजा है। मत करो, दे दो वापस। नहीं पैसे बर्बाद नहीं करते, तापी दो तापी दो। लो इसको जाकर वापस एजेंट को दे देना और पूरे पैसे वापस लेके आना। दीदी
पाटिल साहब, दो चार किलो सब्जी बेच लिया तो क्या हो जाएगा साहब? कह रहा हूं ना साहब, टेंशन नहीं लेने का साहब, इसमें सबकी टांगे तोड़ दूंगा साहब। गेड़ा रे गेड़ा। चीनी, कभी दिमाग इस्तेमाल किया कर, टांगे नहीं कमर तोड़, वरना आज चीनी कल शाम। दो दिन में पानी नहीं आया तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। कन्नू की छत भी आधी गई है और अगर पानी नहीं दिया ना तो सारे टमाटरों की वाट लग जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कोई ना कोई उपाय तो होगा। बाजू वाली बस्ती से कुछ पानी का कुछ तो बंदोबस्त हो सकता है। टैंकर आ सकता है। टैंकर? टैंकर कैसे आएगा? टैंकर भी कितनी बार आएगा, रोज रोज तो आ नहीं सकता ना। अरे बात की बात में देखेंगे, आप टैंकर मंगवा लीजिए। चीनी आने नहीं देगा टैंकर बस्ती में। हाँ मैं बोल रहा है सबको, फोड़ डालेगा सबको। हम देख लेंगे, आप टैंकर मंगवा लीजिए। अरे आजा, टैंकर ला रहा है, टैंकर फोड़ डालूंगा अपना टैंकर। सुनने में आया है